आपको भोपाल का हमारा तो अगर आप घर नो 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 तो अरे कहना क्या चाहते हो? और जो मेरे को पसंद नहीं करते वो प्लीज कुछ मत बोलना। सर जैसे हम लोग हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी होता है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पंचकर्मा, काय चिकित्सा, पाइल्स, फिस्टुला, चार सूत्र हमारे कॉलेज में इतना फेमस है कि एम्स से भी हमारे यहाँ रिफर आते हैं। यहाँ जाइए, एक बार कराइए ट्रीटमेंट, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है गाइज यहाँ पर। हे गाइस, वापस से एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं अपने कॉलेज का हर्बल गार्डन दिखाने वाला हूं और साथ में कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वो सब भी मिलेंगे साथ में एक साथ। और अभी कुछ आगे में फल खाने जा रहे हैं, वो वहां पहुंचने के बाद बताते हैं। चलो सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे भृंगराज के पास पहुंच चुके हैं। प्रज्ञा भृंगराज को आइडेंटिफाई कर रही है कि कैसे करते हैं। और आप इनकी प्रॉपर्टीज को बता दो। हाँ, बता दीजिए प्रॉपर्टी। इसका साइंटिफिक नेम है एक्लिप्टा हेल्बा। एक्लिप्टा अल्बा, ठीक है। दो टाइप के भृंगराज होते हैं। ये पीत भृंगराज है और ये केश है, इसको केश रंजन भी कहते हैं। और बाल पकने और जड़ने वाली जो प्रॉब्लम रहती है ना, उसको रोकता है ये, और बाल को घना रखता है मस्त। और इसके पत्तियों का, इसके पूरा पंचांग यूज होता है, सिर्फ पत्ती नहीं, पूरा पंचांग यूज होता है। अभी पत्ती लगी है तो मैंने, हाँ, बस बरसात का मौसम होता है ना, तो यहाँ से पीले पीले फूल निकल के आते हैं। एक फूल है इधर साइड, छोटा सा दिख रहा, छोटू सा दिखा सकते हैं। कैसे यूज करते हैं पत्ती को? ये तेल बना के यूज करते हैं, इसके पत्तियों को यूज होता है। नॉर्मल तो आएंगे तब उसको लगा सकते हैं, जैसे कि आप जनरली नींबू को यूज करते हैं ना, उसी तरह इसका पत्तियों को भी पेस्ट करके यूज कर सकते हो बाल पे। हाँ, मेहंदी में मिक्स कर सकते हैं। हाँ। चलो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मलबेरी खाने, जिसको सैतूत के नाम से भी जानते हैं ना। और ये छोटा सा पौधा है, यहाँ पे खाने के लिए टूट पड़े देख रहे हो, ये दिनेश और ये रिया, सेम कलर के टी शर्ट पहन के आए, मैचिंग। एक्चुअली इसने मेरा कॉपी की है, सेम कलर का टी शर्ट पहना है और बहुत ज्यादा मीठा हो जाए। इसकी कॉपी करूँ, इतने बुरे दिन नहीं है। हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे ये मलबेरी, बहुत सारे ये है ना। ये एक लाल टाइप का दिख रहा है जो कम पका है, और जो काला दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं आप मीठा भी है। प्रज्ञा तो सीधा उसी में मर्ज हो गई है, अंदर में घुस के खा रही। उसको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस मलबेरी खानी है, आराम से एक जगह बैठ। और ना, हम आपको सजेस्ट करेंगे जब भी रायपुर आए, आयुर्वेदिक कॉलेज के हर्बल गार्डन में जरूर आए मलबेरी खाने, बट ये हर टाइम नहीं मिलेगी आपको ना। परमिशन लेंगे हॉस्टल वार्डन हिरमा मरमकाम से। परमिशन वैसे जनरली बाहरी लोगों को देते नहीं है जो कॉलेज स्टूडेंट, बट हॉस्पिटल, बट हमारे चैनल के सब्सक्राइबर आएंगे ना तो परमिशन दे देंगे। कोई हॉस्टलर लाएंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा उनके साथ घुसने के लिए, उसका फायदा उठा सकते हैं आप। हिरमा के ब्लॉक वाले जो मेंबरशिप हैं, जो मेंबर हैं, उनको मिल जाएगी, एकदम फ्री है, यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हमारा व्लॉग देख रहे हैं वो आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर जरूर लें मलबेरी खाने के लिए। हमारे कॉलेज में मलबेरी, बेर, आम। अब हम मलबेरी खा रहे हैं फाइनली। हम कैमरे के पीछे थे इतने समय तक, वो कंट्रोल कर रहे थे मलबेरी खाने के लिए, इतने टेस्टी मलबेरी देख के रुका नहीं गया, तो हम हिरमा को अब दे दिए हैं कैमरा का प्रभार और हम मलबेरी खाएंगे। कितने टेस्टी हैं, आप कभी भी आइए, हिरमा के मेंबर हैं यूट्यूब पे, ये देखिए कैसे झुक के एकदम बैठ के एकदम मजे से खा रही है ना।
इसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, क्या चल रहा है, छुप छुप के चेहरा भी नहीं दिखा रही अपना। प्रज्ञा जी अपना चेहरा दिखाइए कृपया। लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत सीधी सादी लड़की नहीं है, सीधी बिल्कुल नहीं है, आपको ब्लॉग पे आज बताया जा रहा है। She is very dangerous, guys. She is very dangerous. रिया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की आयुर्वेदिक कॉलेज की। हाँ, यहाँ से रिया से तो BMS ग्रेजुएट होकर ये राजनीति में जाने वाली है। चुप कर ऐसा मत बोल भाई। अच्छा सारा मलबेरी खा गई पता है रिया? रिया रिया सारा मलबेरी खा गया। अब तू कमेंट करना चाहे। हाँ रिकॉर्ड ऑन है। अब रिया कुछ बोलना चाहती है। क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं पूरा खा जाऊंगा। लाल वाला खा के, लाल वाला खट्टा है रे, खाई मैं। टेस्ट कर चुकी हो लाल वाला? मेरा स्नैप भी बन गया है। ओके, मैं जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा स्नैप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी बता दे। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी ria08 की है। वैसे तो मैं एक्सेप्ट करूंगी नहीं, बट फिर भी। यहाँ पे तो कुछ लोगों का एक्सेप्ट करके वापस अनफॉलो कर दे। इस लड़की, ये लड़की बहुत दुष्ट है आप लोगों को पता है, मुझे अनफॉलो मार दिया। तो अनफॉलो मार दिया क्यों? मैं इतना सीधा और शरीफ इंसान हूँ। ये गलत बात है दिनेश का, ये सीधा और सिंपल नहीं है, जलेबी की तरह सीधा बोल सकते हैं हमारा दिनेश है। गाइस हमारे ना कॉलेज के बहुत ही कुछ आखिरी दिन बचे हैं, हमारा फाइनल ईयर है। कभी कभी बैठे बैठे आंखें नम हो जाती है, क्या बताएं। सुना वो छोड़ ना, ये बता कि भोपाल में क्या करने वाले अपन। हाँ गाइस भोपाल में पहले उनको बता कि क्या हम लोग आए यहाँ इसीलिए हैं। भोपाल में हमको एक वीडियो प्रेजेंट करना है। भोपाल में एक सेमिनार है आयुर्विनिश्चयम नाम से, जिसका टॉपिक है अष्टविध परीक्षा और नाड़ी परीक्षा। वो अटेंड करने के लिए हम सब जा रहे हैं। उसमें कॉम्पिटिशन रखा गया है शॉर्ट वीडियो, जिसका टॉपिक हमने चूज किया है पोस्ट कोविड आयुर्वेदा इन योर गार्डन। और उसमें हम पोस्ट कोविड सिम्टम लोगों को बहुत हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए कौन से प्लांट्स हम अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं वो बताने की कोशिश की है। तो जब हम वीडियो बना लेंगे और प्राइस जीत जाएंगे तब इन्हीं के चैनल में हम डाल देंगे, हिरमा के चैनल में ही, पोन्नुम वाला। आप लोग जरूर देख सकते हैं। मिल जाएगी उससे पहले। हाँ जी, तो ट्रिप की प्लानिंग बता देती हूँ मैं। उससे पहले हम लोग जा रहे हैं उज्जैन घूमने, क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है उतना घूमना भी जरूरी है। तो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन में। फिर उसके बाद हम, एक तारीख से हमारा सेमिनार है, तो 1-3 सेमिनार अटेंड करेंगे। मे बी शाम को शायद भोपाल भी घूम ले। उसके बाद फिर हम 4 तारीख का सोच रहे हैं, क्योंकि 4 बजे हमें ट्रेन है, सुबह हमारे पास बहुत है, तो हम सीहोर और भोपाल एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है, उसके भी वीडियोस वगैरह जो हैं, आप गाइड रहेंगे हमारी ना? हाँ मैं गाइड हूँ, क्योंकि मैं भोपाल में रह चुकी हूँ, तो ये लोग सब मेरी भरोसे जा रहे हैं। वीडियो रुकने के लिए जगह नहीं दिलवा रही, भोपाल में रह चुकी है, फिर भी हम लोग आपको देंगे इसके चैनल में। अरे भाई तुम, मेरा घर थोड़ी है वहाँ, किराए पे रहते थे, छोड़ चुके हैं किराया। तो हमको एक्सप्लोर करने वाली है जो है रिया है। हाँ, तो वहाँ जो भी जगह ये लोग देखने वाले हैं मेरे भरोसे हैं, बाकी देखते हैं। इसके भरोसे है, इसको बेच कर भी आ सकती हूँ मैं। हाँ, वो तो लग रही है हमको, इसको बेच कर आना चाहती हूँ मैं, वहाँ कोई खरीद ले तो। हाँ, अगर आपको हम लोग भोपाल कैसे गए, सेमिनार कैसा रहा, हम कितना भोपाल घूमे, उज्जैन सीहोर, अगर ये सब आपको देखना है तो फिर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हमारे जाने से पहले। तो फिर हम एक फुल व्लॉग वहाँ पे करेंगे, शूट करेंगे, और फिर हिरमा को इस चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा तो किसी का चैनल वैनल है नहीं, तो हम बस शूट करके ले आएंगे, डालेगा व्लॉग यही। तो फिर जरूर कमेंट करना, नहीं तो लाइक जरूर करना। और हम में से किसी का बोलना आपको अगर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, हम भी व्लॉग बनाना जरूर शुरू करेंगे। अब शहतूत खाने के थोड़ा मजे लेते हैं। अब शहतूत खाने के थोड़े मजे लेते हैं, है ना? अच्छा माइक लगाया जा रहा है यहाँ पर, अभी इसको मत करना। हाँ सही में तो ये बहुत ही ठीक है, लगा लिया रिया ने फाइनली। थैंक यू रिया मुझे माइक सौंपने के लिए, मैं आपके एहसान मंद हो चुका हूँ। अब हमारे, मैं आपको बता दूं कि हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के पास 90 एकड़ जमीन है रायपुर शहर में, शहर के बीचों बीच। ऐसा यूजुअली कॉलेजेस होते नहीं है।
बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है और यूज भी किया जाता है। जैसे हम लोग हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी होता है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पंचकर्मा, काय चिकित्सा, तो पाइल्स, फिस्टुला, चार सूत्र हमारे कॉलेज में इतना फेमस है कि एम्स से भी हमारे यहाँ रिफर आते हैं। यहाँ जाइए, एक बार कराई ट्रीटमेंट, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है गाइज यहाँ पर, और सिटी के बीचों बीच ऐसी जगह मिलना, ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस के पास भी इतनी जमीन नहीं है जितनी हमारे पास है। रिया कह रही है कि वो सब खा जाएगी आज। बहुत टेस्टी है मलबरी, हमें सजेस्ट किया हिरमा ने आज। नहीं, तो पता ही था कि यहाँ पर बच्चा है। पूरा खा गई तो पेट तो भरेगा ही तेरा। पूरा खा चुकी है प्रज्ञा, बोल रही पेट भर गया, छोटा सा तो पेट है प्रज्ञा का। प्रज्ञा कुछ बोलेंगे आप? चलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं, मलबेरी खा चुके हैं और ये हमारे हिरमा व्लॉगर इसके साथ। हाँ, हम लोग जा रहे हैं, हमारा मलबेरी खत्म हो गया, हमारा प्रोजेक्ट का कुछ काम हो चुका है। सो गाइस, अभी हम लोग का जो भी वीडियो का जो प्रोजेक्ट था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी फाइनली हम लोग जाने वाले हैं और मिलते हैं कोई एक अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अभी टेक केयर एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब बाय बाय गाइस। चलो।